भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू शुक्रवार को हजारीबाग पहुंचे, जहां हजारीबाग परिसदन सभागार में उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया कृषि कानून किसानों की उन्नति, उन्नयन और उनकी आय दोगुनी करने का एक बेहतर प्रयास है और इस कानून से किसान बेहद ही खुश है। किसान हित के इस कृषि बिल के लिए भाजपा झारखंड प्रदेश किसान मोर्चा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्तमान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के प्रति आभार जताने और धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए एवं इस बिल की महत्ता से जन जन को रूबरू कराने हेतु किसानों के बीच जाकर किसान पंचायत, गांव कस्बों में किसान चौपाल लगाकर और पत्र लिखकर एवं जगह जगह प्रेस वार्ता का आयोजन कर निरंतर कार्यक्रम कर रही है। इस कड़ी के तहत हजारीबाग में भी किसानों के बीच हम आए हैं और विरोधी दलों द्वारा किसान बिल को लेकर फैलाए जा रहे अफवाहों की पोल खोलेंगे और बिल के हित के बाबत जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है और देश के अन्नदाताओं की स्थिति सुधारना चाहती है। कृषि कानून के तहत सरकार किसानों को मंडी की बेड़ियों से आजाद करना चाहती है, जिससे वे अपनी उपज देश में कहीं भी किसी को भी अपनी कीमत पर बेच सके। इस कानून में यह प्रावधान सुनिश्चित किया गया है कि उपज बेचने के बाद किसान को उसकी कीमत 3 दिन के अंदर मिलना सुनिश्चित होगा। इस बिल से किसानों की जमीन पर कोई संकट नहीं आएगा। किसान अपनी उपज कहीं भी किसी भी मंडी में बेचने को स्वतंत्र होंगे। इसी बिल को लेकर आभार हम लोग करने के लिए प्रेस वार्ता रखे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को किसान मोर्चा की ओर से आभार दिया जाता है कि उन्होंने कृषि कानून में किसानों के सुधार के लिए और किसानों की उन्नति, उन्नयन के लिए और किसानों की आय दुगुनी हो, इसको लेकर अथक प्रयास किया है और पूरे देश के किसान इस कानून से काफ़ी खुश हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में किसानों के बीच जाकर, किसान पंचायत और गाँव में जाकर किसानों से मिलकर माननीय मोदी जी को आभार करने के लिए पत्र भी लिख रहे हैं और जगह जगह प्रेस वार्ता की जा रही है। जहाँ तक बात है, झारखंड सरकार के किसानों के साथ बहुत बड़ा अनदेखी की है। इन्होंने जो घोषणा की थी कि 2 लाख तक का कृषि लोन माफ़ करेंगे और उन्होंने माफ़ नहीं किया, किसी भी बैंक को अभी तक निर्देश नहीं किया है और उसमें किंतु परंतु लगाकर जो लोन लिए थे किसान, 50,000 माफ़ करने की बात कही है, उसको भी दिग्भ्रमित किया जा रहा है और किसी भी किसान का अभी तक 1 पैसा माफ़ नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में झारखंड सरकार को किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हम लोग घेरेंगे और पूरे प्रदेश में धान क्रय की बात कही थी इन्होंने, 1868 रुपया से में जो MSP है धान का, उसमें 200 रुपया बढ़ा कर देने की बात की थी, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। 100% धान खरीदी की बात की थी और 8% धान की अभी तक खरीदी हो पाई है और सभी क्रय केंद्रों पे ताला लटका हुआ है। किसान हताश है, परेशान है और बिचौलियों पर बेचने के लिए मजबूर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता इस सरकार के पास हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और इनको बताएंगे किसानों का अनदेखी की तो आपको अंजाम बहुत बुरा होगा। ये जो रैली कांग्रेस के द्वारा और वामपंथियों के द्वारा जगह जगह किया जा रहा है, इसमें किसान हित की कहीं बात नहीं है। बिचौलियों का संरक्षण की बातें हो रही है और जो लोग भी बातें कर रहे हैं वो सारे बिचौलिए हैं, वो किसानों का हित नहीं चाहते हैं। किसान समझ रहे हैं और जो लोग भी विरोध कर रहे हैं कहीं वो किसान नहीं है, क्योंकि 2 महीना 3 महीना कोई किसान खेत छोड़कर रोड पे नहीं बैठेगा और एयर कंडीशन लगाकर नहीं बैठेगा। उनकी जो सुविधाएं हैं और जो बातें हो रही है, जो जो कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और आपके माध्यम से भी दिखाया जा रहा है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। किसान नहीं है, किसान मोदी जी के साथ है।